प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग विद पेज मेकर सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर के उपकरणों से चीज़ों को छापना या उनका प्रकाशन करना। ठीक है, इसको हम डिटेल में चैप्टर में समझते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हम काम करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं, इनका लेआउट्स वगैरह डिज़ाइन करना, इनके अंदर टेक्स्ट एंटर्स करना, इमेजेस को एडिट करना। ठीक है, तो ये सारे काम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के ही हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर के अलावा वेडिंग कार्ड्स बनते हैं, वेडिंग कार्ड की डिज़ाइनिंग का काम हो गया, इनमें एडिटिंग का काम हो गया, या फिर इस तरह के इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं या विशिंग कार्ड्स होते हैं, विशिंग कार्ड्स भी हो गए। ठीक है, या फिर पोस्टर्स हो गए, बड़े बड़े पोस्टर्स देखे होंगे आप लोगों ने, है ना, होर्डिंग्स पे लगे होते हैं पोस्टर्स, है ना, बड़े बड़े पोस्टर्स। या फिर इस तरह के एफिडेविट होंगे आपने देखे होंगे, है ना, जुडिशियल पेपर्स। ठीक है, इनको बनाने का काम और इनमें एडिटिंग का काम भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ही आता है। और ये सारा काम होता है एक सॉफ्टवेयर से जिसका नाम है पेज मेकर। ठीक है, अब देखो इसमें एफिडेविट भी बनते हैं, न्यूज़पेपर भी बनते हैं। ठीक है, इनविटेशन कार्ड्स हो गए, इनविटेशन कार्ड्स का भी डिज़ाइनिंग का काम, एडिटिंग का काम, ठीक है, इसके अंदर होता है। इसके अलावा हमारे जो फ्लायर्स होते हैं, पर्चियाँ होती हैं, प्रचार पर्चियाँ जिन्हें बोलते हैं, पम्पलेट्स बोलते हैं ना, इलेक्शन के टाइम्स भी छपवाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, है ना, अपने प्रचार के लिए प्रचार पर्चियाँ। ये जैसे एडवर्टाइजमेंट देती हैं कंपनीज भी अपने सेल के लिए, तो इस तरह के सारे इनको बनाने का काम पेज मेकर के अंदर ही होता है। या फिर विजिटिंग कार्ड्स हो गए, ठीक है, विजिटिंग कार्ड्स भी इसके अंदर ही बनते हैं। बुक्स, बुक्स में जो मटेरियल एडिट किया होता है, पैराग्राफ्स में इमेजेस वगैरह इंसर्ट की होती हैं, इनका सारा का सारा डिज़ाइनिंग और एडिटिंग का काम पेज मेकर के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग की, यानी कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग? डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज ए प्रोसेस विच हेल्प्स टू डिज़ाइन एंड पब्लिश मैगजीन्स, न्यूज़ लेटर्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, ब्राउचर्स, फ्लायर्स टू फुलफिल द नीड ऑफ एजुकेशन एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको हिंदी में भी अच्छी तरह से समझा दिया कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है कंप्यूटर के उपकरणों से चीज़ों को छापना या उनका प्रकाशन करना। ठीक है, जैसे मैगजीन, न्यूज़ लेटर, बुक्स, रिपोर्ट्स हो गई, ब्राउचर्स, फ्लायर्स हो गए, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एजुकेशन एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स। आई थिंक ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई अभी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सारा का सारा काम जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, ये कैसे और किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है। तो ये काम होता है हमारा पेज मेकर के अंदर। पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, व्हाट इज पेज मेकर? अ पेज मेकर इज अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोसेस। अ पेज मेकर जो है एक सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ठीक है, अ डीटीपी प्रोसेस हेल्प्स टू डिज़ाइन एंड पब्लिश। सेम वैसे ही वही चीज़ लिखी हुई है कि डीटीपी की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, पेज मेकर से होती है, वो क्या होती है, दोबारा से इसी क्वेश्चन के अंदर फिर से डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, डी टी पी प्रोसेस हेल्प्स टू डिज़ाइन एंड पब्लिश मैगजीन, न्यूज़ लेटर्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, ब्राउचर्स, फ्लायर्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एजुकेशन एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स। ठीक है, पेज मेकर क्रिएट हाई क्वालिटी पब्लिकेशन एंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस। ठीक है, पेज मेकर से हम हाई क्वालिटी यानी कि बहुत ही अच्छी जो पब्लिकेशन हैं, प्रकाशन जो है वो कर सकते हैं, छपवाई का काम कर सकते हैं, एंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेज। और उसके अलावा हम इसका यूज़ वेब पेजेस को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अब वेब पेजेस जो इंटरनेट के ऊपर हम पेजेस ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर, उन्हीं को हम वेब पेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, वेब पेजेस बोलते हैं उनको, HTML पेजेस भी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग एंड TTP? वर्ड प्रोसेसिंग और TTP में क्या अंतर है? अब वर्ड प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, डाटा प्रोसेसिंग वाले सॉफ्टवेयर, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है। इसके अलावा DTP की प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये डिफरेंस यहाँ नीचे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग
प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू फोकस ऑन टेक्स्ट। ये जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिज़ाइन किया होता है स्पेशली, ये टेक्स्ट के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर, उनकी फॉर्मेटिंग के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो DTP प्रोग्राम्स होते हैं आर डिज़ाइन टू फोकस ऑन द डिस्प्ले ऑफ डॉक्यूमेंट, जबकि जो DTP वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए होते हैं कि डॉक्यूमेंट की जो डिस्प्ले है, डॉक्यूमेंट जो है वो देखने में किस तरह का होगा, ठीक है। जैसे मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, इनका थोड़ा बहुत काम तो हम MS Word के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन जो काम DTP के अंदर किया जा सकता है वो MS Word में नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, ठीक है। तो DTP प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू फोकस ऑन द डिस्प्ले ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकेंड आ गया, वर्ड प्रोसेसिंग इज डिज़ाइन टू क्रिएट सिंपल मेमोज, लेटर्स, रिज्यूम्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो डिज़ाइन की हुई है सिंपल मेमोज क्रिएट करना, लेटर्स क्रिएट करना, रिज्यूम वगैरह बनाना, ठीक है, तो इसके लिए इत्यादि इत्यादि। DTP हेल्प टू डिज़ाइन एंड पब्लिश, अब DTP हेल्प करती है हमारी डिज़ाइन और पब्लिश करने में, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़ लेटर्स हो गई, बुक्स, रिपोर्ट्स, ब्राउचर्स, फ्लायर्स हो गए, इन्विटेशन कार्ड्स हो गए, जो भी पीछे मैंने बताया ना, एफिडेविट्स हो गए, यानी कि जुडिशियल पेपर्स हो गए, सारा का सारा काम जो है वो DTP के अंदर होता है अच्छी तरीके से, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, इन वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट कैन बी डायरेक्टली इंटर इनटू द ब्लैंक पेज, वर्ड प्रोसेसिंग में जो टेक्स्ट होते हैं वो डायरेक्टली इंटर किए जा सकते हैं खाली पेज के अंदर, ठीक है। परंतु इन DTP वी हैव टू यूज अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन द डॉक्यूमेंट टू इंटर टेक्स्ट, लेकिन DTP में क्या है, हमें टेक्स्ट बॉक्स यूज करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, अगर उसके अंदर हमने टेक्स्ट को एंटर करना हो तो, ठीक है। अब MS Word में तुम सीधा क्लिक करते हो पेज के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन DTP में ऐसा नहीं है, वहाँ पेज के ऊपर अगर लिखना हो तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस है। और एक चीज़ और है इसमें कि उसमें एक डायनेमिक एडिटिंग भी है कि पेज में कहीं पे भी क्लिक कर दो और लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि MS Word में ऐसा नहीं है, शुरू पे क्लिक करेंगे फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे, स्पेसिस यूज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो पेज में स्पेसिस बनते जाएंगे, ठीक है। लेकिन DTP में वहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का तरीका अलग है, एडिटिंग का मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि वर्ड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट, अब वर्ड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व करती है, इसमें इन्वॉल्व क्या है, एडिटिंग करना और प्रिंटिंग करना टेक्स्ट की, ठीक है। और DTP में इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जबकि DTP में वो डॉक्यूमेंट की जो प्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व होती है, जिसमें हम टेक्स्ट भी इंटर करते हैं, ग्राफिक्स भी इंटर कर सकते हैं, और इसमें डायनेमिक टेक्स्ट एडिटिंग भी है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं जो MS Word के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये थे इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, तो आज के लिए हमारे तीन क्वेश्चन ही काफ़ी थे, कल हम फोर्थ क्वेश्चन को शुरू करेंगे, और साथ में पेस मेकर के जो इन्वायरमेंट है उसका, जो सॉफ्टवेयर का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आज के लिए काफ़ी था, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ, यानी कि नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय हिमाचल।